सो फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट ग्रोसरी आइटम को ऑर्डर करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट कैसे मिलता है और मेरा एक प्रोडक्ट मिसिंग मिला है, उसका रिफंड कैसे मिलेगा, वो भी आपको लास्ट में वीडियो में लास्ट तक बता देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल अजीज, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट अपडेट यूट्यूब चैनल। चले शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवरी हो चुका है। ये प्रोडक्ट डिलीवरी होने जो उन लोगों का सिस्टम है, उन लोग एक बॉक्स के अंदर लेकर के आते हैं। आने के बाद आपका घर पे आकर के ओपन बॉक्स करने के बाद एक एक चीज़ आपका हाथ में या आपका पास जो चीज़ रहता है उसमें दे देता है। लेकिन इसका कोई मतलब अलग से जो बॉक्स कोई बॉक्स नहीं आता है ऐसे, जिसमें आपका पूरा बॉक्स के साथ आपको दे देते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये बॉक्स के अंदर ही आते हैं, आने के बाद आपको मिल जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 16 आइटम को ऑर्डर किए थे, तो मैं एक एक करके चेक करने के बाद मेरे पास मतलब 15 आइटम आए हैं और एक आइटम मुझे नहीं मिला है। ठीक है, और इसका जो इस कंपनी फ्लिपकार्ट से जो ग्रोसरी आइटम ऑर्डर करने के बाद इसका जो डिस्काउंट देने के बाद फिर से इसका जो मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी आप देख सकते हो। प्रोडक्ट अभी कुछ भी प्रोडक्ट में कोई भी खराबी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही सलामत है और सब कुछ सही है। आप देख सकते हैं, आपको ए टू जेड सब कुछ दिखा दे रहा है, क्योंकि अब यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिला होगा। सो फ्रेंड्स, ये था इसका जो मतलब अनबॉक्सिंग या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको दिखा दिए है। लेकिन आप इसके बाद मेरा जो फ्लिपकार्ट ऑर्डर सेक्शन में आपको जा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो मैंने जो 16 आइटम ऑर्डर किए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1269 रुपये का मैं टोटल प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 16 आइटम मुझे नहीं मिला है, 15 आइटम मिला है। और यहाँ पर जो इनवॉइस है, इनवॉइस को मैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो इनवॉइस को डाउनलोड करके यहाँ पर आप चेक करके आपको दिखा देते हैं कि मेरा जो आइटम है वो आइटम क्यों मिसिंग है और क्या चीज़ है, वो भी आगे जाके फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करके मेरा जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और आपका भी सेम प्रॉब्लम हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम हो वो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कौन सा आइटम को ऑर्डर किए थे और कौन सा आइटम मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी चलिए फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करते हैं। बात करने के बाद आगे प्रोसेस आपको बताते हैं। फ्लिपकार्ट से क्या मेरा बात अब्दुल जी से हो रही है? हाँ सर, धन्यवाद अब्दुल जी, आपका नाम है। आपने हाल ही में एक कॉल प्लेस किया था फ्लिपकार्ट रिगार्डिंग आपका ग्रोसरी आइटम एक्सो टच एंड शाइन राउंड डिश वॉश बार। मेरा जो प्रोडक्ट है वहाँ पर मिसिंग मिला था, मेरा प्रोडक्ट डिटेल्स में सब नहीं मिला था। मैंने टोटल 16 आइटम को ऑर्डर किए थे तो मेरे पास 15 आइटम मिला है, और जो अमाउंट है अमाउंट के साथ वो मैच नहीं हो रहा है। यानी कि आपने 16 आइटम ऑर्डर किए थे उसमें से आपको 15 आइटम मिला, उसमें से आपका 100 टच है जो प्रोडक्ट है वो मिसिंग है। हाँ, वो वाला आइटम मिसिंग है। जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने के लिए आए थे तो उनको बताया गया था, तो उन्होंने बोला था कि मेरा पास तो इसका डिटेल्स नहीं है, तो मेरा पास जितना ही है उतना ही आपको मिलेगा। माफी चाहूंगा सर, जो परेशानी आपको फेस करना पड़ा, मैं यहाँ पे एक कंप्लेंट रेज कर दे रहा हूँ कि आपका ये प्रोडक्ट मिसिंग है। आशा करता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको सही जानकारी देकर सहायता कर पाऊँ। आप बस मुझे कुछ समय दीजिए सर। ओके, आप लाइन पे बने रहिए। ओके सर, आपको क्योंकि ये प्रोडक्ट मिसिंग मिला है, सेलर की तरफ से आपको रिफंड इनिशिएट करवा दे रहा है, आप रिफंड से खुश रहेंगे सर? ओके, तो मैं रिफंड इनिशिएट करवा दे रहा हूँ। ऑलराइट सर। ओके ठीक है सर, आप लाइन पे रहिए सर। जिस मोड से आपने पेमेंट किया था उसी मोड में आपको रिफंड वापस जाएगा। ओके सर, बैक टू सोर्स। ओके, और इस विषय में आपका अमाउंट कब तक आपके पास रिफंड होगा? हाँ। और आपको ये प्रोडक्ट मिसिंग क्यों मिला, ये सारा इसका तहकीकात करके आपको ईमेल द्वारा बता दिया जाएगा कंसल्टिंग के द्वारा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अब्दुल जी कि आप कृपया करके आपके ईमेल में एक्टिव रहिए। मैक्सिमम टाइम दिया गया है 22 सितंबर का। 22 सितंबर का डेट। ओके ठीक है, अभी कंसल्टिंग इस विषय में तहकीकात करेगा कि आपको ये प्रोडक्ट मिसिंग क्यों मिला है, आखिर ऐसा क्या वजह है, और उसके बाद जाके आपको ईमेल पे ये भी बता दिया जाएगा कि आपका रिफंड कितना दिन में इनिशिएट किया जाएगा। इसी कारण से सर आपका ये कंप्लेंट एस्केलेट हुआ है सीनियर टीम को। अभी इस विषय में तहकीकात चलेगा कि आखिर ऐसा क्या वजह है आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर को इस तरह का परेशानी फेस करना पड़ा। जिसका भी गलती होगा उसके रिगार्डिंग आपको सारा अपडेट मिल जाएगा आपके ईमेल पे, और ये भी बता दिया जाएगा कि आगे जाके आपका रिफंड कब तक इनिशिएट होगा। ओके थैंक यू सर। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी देके मैं सहायता कर सकता हूँ अब्दुल जी? ओके थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, इस कॉल एंड होने के बाद मैं कुछ टाइम बाद इसको चेक कर रहा था, तो यहाँ पर जो
वो रिफंड प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, शुरू हुआ था, तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मेरा जो अमाउंट है, अमाउंट आप रिटर्न आ चुका, फाइनली रिफंड हो चुका है मेरा, जिस पेमेंट मेथड से हम पेमेंट किए थे उस पेमेंट मेथड पे आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है, देख सकते हैं ये कि प्रोडक्ट ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये था इस छोटी सी जानकारी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही, ऐसे नए नए अपडेट या इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।